कोल वाहन की चपेट में आने से एक चालक की हुई मौत, मुआवजे को मांग के लेकर कर्मियों ने एक नंबर काटर को किया जाम। चतरा के टंडवा में संचालित सीसीएल अमरपाली कोल परियोजना में एक नंबर काटा घर के समीप कोल वाहन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक युवक की पहचान रामगढ़ जिले के गांड के गांव निवासी सरफराज अंसारी के रूप में की गई। मामले को लेकर मिली जानकारी के अनुसार मृतक युवक अमरपाली कोल परियोजना में वाहन चालक था। घटना वाहन को बैक कराने के क्रम में घटी। घटना के बाद मुआवजे को मांग को लेकर मृतक के परिजनों ने एक नंबर काटा घर के समक्ष मृतक के साथ मुआवजे को मांग को लेकर देर शाम तक अड़े रहे। मिली जानकारी के अनुसार 2 लाख रुपए नगद मुआवजा के तौर पर दिए जाने के बाद जाम को हटाया गया। 5 बजे से यहाँ पे घटना हुआ है और कल से हम लोग 5 बजे से समझिए रात भर पूरा ठंडा से सुबह से अभी तक हम लोग यहाँ पे बिना खाए पिए सारा चीज हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। जो यहाँ का सिस्टम बना हुआ है कि जो मृत्यु अगर इसके अंदर में जो भी हो जाए तो जो इनका सिस्टम बना हुआ है शुरू से, हम लोग का कोई अलग से कुछ मांग है नहीं। जो पहले का जो यहाँ जो रूल चल रहा है बस हम लोग उसी पर हम लोग अड़े हुए हैं कि उनका दो ठो लड़की है, एक लड़का है और सारा मतलब 4 से 5 3 साल से 5 साल के अंदर में है। अब उसका क्या प्रोसेस है सर, अब ये सब तो आप लोग देखिए रहे हैं। सीसीएल अभी तक कोई सीसीएल वाला हम लोग का वार्ता तो अभी तक सुनने के लिए कोई है नहीं, न हम लोग को कोई देखने वाला है यहाँ पे। हम लोग तो चाह रहे हैं कि किसी तरह से आकर हम लोग का समस्या का समाधान हो जाए जल्दी से जल्दी, क्या के बॉडी कल से डेड बॉडी हम लोग को लेके परेशानी में है। सारा फैमिली यहाँ देख रहे हैं बैठे हुए हैं बिना खाए पिए। क्या मांग है आपका सर? अब जो घटना तो हुआ है यहाँ पे घटना स्थल पे, तो यहाँ का जो सिस्टम बना हुआ है जो सीसीएल जो पहले दे चुकी है, हम लोग को वही कहना कि सर जो आप पहले जो दिए हैं उसी पर आप इनको फाइनल कर दिए, और हम लोग क्या बोलेंगे सर।